Good morning, students. I am Mukund Ranjan. As you know, I am teaching history class 9th. This is the second chapter. Main points are, you have to note these points in your notebook. History chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is very important chapter, students. So read it carefully. In this chapter, the main points are, during the French Revolution, the powerful ideas of liberty, equality and fraternity emerged and circulated in Europe. मैंने आपको पहले चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटकम था वो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी था, जिसका जो आइडियाज था वो पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो रहा था. आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. इस रिवॉल्यूशन के बाद इंडिविजुअल राइट्स और समाज को कौन कंट्रोल करेगा, इसके बारे में लोग डिस्कस करने लगे. हर जगह इसकी चर्चा होने लगी. इन इंडिया, भारत में राजा राम मोहन राय एंड डिरोजियो डिस्कस्ड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इंडिया में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो महत्व हैं उसका डिस्कस कर रहे थे, लोगों को इसके बारे में बता रहे थे. हाउएवर, नॉट Everyone wanted a complete transformation. लेकिन सारे लोग complete transformation, पूरी तरह से चेंज नहीं चाहते थे. There emerged three categories of people. जो complete transformation नहीं चाहते थे, जो चेंज चाहते थे, उसमें तीन तरह के लोग इमर्ज हुए, liberals, radicals and conservatives. अब हम एक एक करके लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे. लिबरल्स, लिबरल्स लुक फॉर ए चेंज इन द सोसाइटी. लिबरल्स जो थे वो समाज में चेंज के पक्ष में थे, चेंज चाहते थे. इन फैक्ट, लिबरल्स वांट ए नेशन दैट टॉलरेट ऑल द रिलीजियंस. एज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ यूरोप फेवर्ड वन और द अदर रिलीजियन. जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि सारे धर्मों को यहाँ पे मान्यता मिले, सारे धर्मों को लोग अपनाएं. यूरोप में बहुत सारे कंट्री में अलग अलग धर्मों को लोग फेवर करते थे. लाइक ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च. इंग्लैंड जो था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करता था और ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड जो था वो द कैथोलिक चर्च को फेवर करता था. Liberals also opposed the uncontrolled power of its dynastic rulers. जो liberals थे वो uncontrolled power जो होता था dynastic rulers का, कि राजा के पुत्र राजा बनेंगे, राजावाद, वंशवाद, उसका वो लोग अपोज किया करते थे. They argued for a representative elected parliamentary government and a well-trained judiciary that was इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स. वे लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, एक जुडिशियरी चाहते थे, जो राजा से जो रूल्स थे उससे अलग हो, उसे स्वतंत्र और अपना डिसीजन स्वयं सुना सके बिना किसी के प्रभाव में आए हुए. हाउएवर, द लिबरल्स वे आर नॉट डेमोक्रेट्स एज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज एज वेल एज दे वे आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू एक्सटेंड द राइट टू वोट टू वुमेन. जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस में विश्वास नहीं करते थे और ना ही लेडीज़ को, वुमेन्स को वोट देने के पक्ष में थे. दे फेल्ट दैट ओनली द मेन ऑफ प्रॉपर्टीज शैल हैव द राइट टू वोट एंड चूज देयर रूलर्स.
उनका मानना था कि केवल प्रॉपर्टी वाले मेन को ही राइट टू वोट मिले और वो लोग ही अपने रूलर्स को चूज कर सकें। अब हम नेक्स्ट रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी के जो पीपल होते थे रेडिकल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट द रेडिकल वांटेड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सम ऑफ देम इवन सपोर्ट द वुमेन सफरेज मूवमेंट। जो रेडिकल्स थे वो लोग मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर गवर्नमेंट का निर्माण चाहते थे और वुमेन सफरेज मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे। दे अपोज द पावर ऑफ वेल्दी लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वे लोग अपोज करते थे वेल्दी लैंड ओनर्स के और फैक्ट्री ओनर्स के पावर का, वेल्थ का। दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वे लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे, बट डिसलाइक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू। लेकिन वो लोग कुछ लोगों के हाथों में जो प्रॉपर्टी था, जो वेल्थ था, उसके खिलाफ में वो लोग थे। कंजर्वेटिव्स, नेक्स्ट कैटेगरी के जो पीपल थे वो कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। जो कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी जो लोग थे, वो लोग चेंज के खिलाफ में थे, वो अपोज करते थे कि चेंज नहीं होना चाहिए। हाउ एवर आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनेविटेबल बट वी आर ऑलवेज अगेंस्ट द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद वो लोग कुछ चेंज को एक्सेप्ट करने में पक्ष में थे, उनको मानना था कि कुछ चेंज अनिवार्य है, लेकिन वो लोग टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ में थे। द कंजर्वेटिव बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड द चेंज हैड टू बी ब्रॉट बाई अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उनका मानना था कि पास्ट को लोग आदर करें, उसको अपनाएं, और जो चेंज है, जो चेंज समाज में हो, वो ग्रेजुअली स्तर पर हो, धीरे धीरे हो। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियोज, थैंक्स।